गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन एंड कास्ट ऑपरेटर। सी परमिट्स मिक्सिंग ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप इन एन एक्सप्रेशन। आप एक ही एक्सप्रेशन में मिक्सिंग कर सकते हो अलग अलग टाइप के वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट्स की, ठीक है। सी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स एनी इंटरमीडिएट वैल्यू टू द अप्रोप्रिएट टाइप। फिर सी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा जो भी अप्रोप्रिएट टाइप होगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखिए, हमने क्या किया, एक वैल्यू तो इंटीजर टाइप की ले ली और एक फ्लोट टाइप की ले ली और उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करता है सी, ये चीज़ परमिशन देता है कि आप ऐसे मिक्सिंग कर सकते हो, और फिर सी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता है वैल्यू को अप्रोप्रिएट टाइप में, और हमेशा ये लोअर से हायर टाइप में कन्वर्ट करेगा। यानी कि वो कर तो सकता है क्या कि 4.3 को भी वो इंटीजर में कन्वर्ट करके 10 × 440 आंसर दे दे, बट वो ऐसा नहीं करता। सी में वो क्या करता है, लोअर टाइप को हायर टाइप में कन्वर्ट करता है हमेशा। यानी कि ये वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी और इसको भी वो फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर लेगा 10.0, इस तरीके से वो वैल्यू लेके तब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेगा। फिर जो आंसर आएगा वो आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, एक्स के अकॉर्डिंग, कि एक्स किस टाइप का। अगर एक्स इंटीजर टाइप का है तो वो राउंड ऑफ करके इंटीजर वैल्यू आंसर देगा, और अगर फ्लोट टाइप का है तो वो डेसिमल वैल्यू ही देगा, ठीक है। तो इसने ये लिखा, द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंटेन्स वन ऑपरेंड ऑफ टाइप इंट एंड अनदर ऑफ फ्लोट इन सी, दिस इज़ नॉट कंसिडर एज एन एरर। ये एरर शो नहीं करेगा, इंस्टेड क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा टाइप 44 कैलकुलेशन के लिए। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो अपने आप ही अंदर सिस्टम के अंदर हो रही है। आप कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हो, सिस्टम खुद कन्वर्जन कर रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ये बात ध्यान रखने की मैंने बताई है, लोअर टाइप को ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट करता है, वो हायर टाइप में बिफोर द ऑपरेशन प्रोसीड्स। ऑपरेशन करने से पहले वो क्या करता है, लोअर टाइप को हायर टाइप में कन्वर्ट करता है। द फाइनल रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू द टाइप ऑफ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट असाइनमेंट साइन बिफोर मिक्सिंग द वैल्यू, सॉरी बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू इट। अभी मैंने आपको बताया ही कि वो प्रोसेस करने के बाद वैल्यू असाइन करने से पहले चेक करेगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का, जिसके अंदर वैल्यू जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही वो आंसर देगा। हाउएवर फॉलोइंग चेंजेस आर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द फाइनल असाइनमेंट। तो फाइनल असाइनमेंट के दौरान क्या क्या हो सकता है, कि मान लीजिए फ्लोट टू इंट में है, कि आपका आंसर जैसे अभी एग्जांपल में देखे तो फ्लोट में आएगा, और मान लीजिए एक्स आपने इंटीजर टाइप का ले रखा है तो वो क्या करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा, यानी कि छोड़ देगा, डेसिमल के बाद जो वैल्यू होगी उसको छोड़ देगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा। ऐसे ही डबल टू फ्लोट में है, कि आंसर आपके पास डबल में आया है और आपने इंटीजर जिसमें वैल्यू असाइन करा रहे हो वो फ्लोट टाइप का ले रखा था, उस केस में वो डिजिट्स को राउंड ऑफ कर देगा उसके रेंज के अकॉर्डिंग। ऐसे ही लॉन्ग इंट से इंट में जा रहे हो तो जो हायर ऑर्डर बिट्स होंगी, एक्सेस हायर ऑर्डर बिट्स, उनको ड्रॉप कर देगा। उसके बाद इसने वाटरफॉल मॉडल दिया है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए, कि वो किस तरीके से कन्वर्जन करेगा। तो साइंड कैर है तो उसको अनसाइंड कैर में कन्वर्ट करेगा, शॉर्ट साइंड इंट है उसको शॉर्ट अनसाइंड इंट में करेगा, इन दोनों को फिर इंट में करेगा, इंट को अनसाइंड इंट में, तो इस तरीके से बड़ा बड़ा करता जाएगा, ठीक है। तो लोअर से हायर की तरफ जाता है, तो ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए मॉडल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर क्या है, देखिए, द सी प्रोग्रामर हैज़ ऑल्सो द चॉइस ऑफ एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग हाउ द वैल्यूज आर टू बी कन्वर्टेड इन अ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन। सी प्रोग्रामर के पास चॉइस होती है कि वो उन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकता है, जो मिक्स मोड एक्सप्रेशन अभी मैंने आपको पीछे बताया कि अलग अलग टाइप के आपने वेरिएबल ले रखे हैं या कॉन्स्टेंट ले रखे हैं, और उनमें कन्वर्जन एक तो खुद ही हो जाएगी अगर आप नहीं करोगे तो वो तो थी इम्प्लिसिट कन्वर्जन। लेकिन वो सी क्या करती है, प्रोग्रामर को भी चॉइस देती है कि वो भी अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगी, आप उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। और इस फीचर को हम बोलते हैं कोर्जन, और इसका करते किसकी हेल्प से हैं, कास्ट ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। तो कास्ट ऑपरेटर इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, मीन्स सिंगल ऑपरेंड पर अप्लाई होगा, एंड इज़ यूज टू कन्वर्ट अ टाइप टू डिफरेंट टाइप एक्सप्लिसिटली। एक टाइप को आपको दूसरे टाइप में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। वर्ड कास्ट, कास्ट वर्ड का यूज़ नहीं करते हम, बल्कि कैसे यूज़ करते हैं इसको वो बता रखा है इसने, किस तरीके से यूज़ करोगे, आप ब्रैकेट के अंदर उस टाइप को लिख दोगे जिस वेरिएबल को आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसके आगे इस पैरेंथेसिस के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर आप वो डाटा टाइप लिख दोगे जिसमें आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंट ए इक्वल टू 9, फ्लोट बी,
ठीक है, और b इक्वल टू फ्लोट a प्लस 10.0। देखो मिक्स्ड है, मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि a तो इंटीजर टाइप का है और ये किस टाइप का ले रखा है, फ्लोट टाइप का, तो दोनों की टाइप सेम नहीं है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर अगर आप फ्लोट नहीं लगाते तो भी वो ऑटोमेटिकली ए को हायर टाइप में ही कन्वर्ट करता, वो खुद भी कन्वर्ट कर लेता, जिसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते नहीं। और अगर आप खुद से एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना चाहते इसको किसी और डाटा टाइप में, जैसे ये फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता था, तो उस वेरिएबल के आगे ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिख दिया, फ्लोट। तो इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करते वक्त क्या होगा, वो ए को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में। तो ये क्या है, कास्ट ऑपरेटर है। तो कास्ट ऑपरेटर क्या करेगा, ए की वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में एडिशन करने से पहले, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या है इसके, इसका सिंटेक्स क्या है, ब्रैकेट के अंदर टाइप नेम और उसके बाद एक्सप्रेशन जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। जो टाइप नेम है वो कोई स्टैंडर्ड डाटा टाइप ही होगी, ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे, जो डाटा टाइप्स आपने पढ़ी थी उन्हीं में से ही जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो यहाँ पर आएगा। और एक्सप्रेशन आगे कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल या कोई भी एक्सप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ बहुत बार। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो अलग अलग कैलकुलेशंस और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए फंक्शंस हैं, ठीक है। सी के अंदर ये पहले से ही हैं, इनको जस्ट हम यूज़ करते हैं। तो ये लिखा है इसने, सी लैंग्वेज इज अकॉम्पनीड बाय अ नंबर ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस दैट कैरी आउट वेरियस अदर कॉमनली यूज ऑपरेशन और कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल देर आर लाइब्रेरी फंक्शन दैट कैरी आउट स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए मैंने आपको बताया था, इनपुट ऑपरेशन के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो, स्कैन एफ, आउटपुट के लिए कौन सा यूज़ करते हो, प्रिंट एफ। ऐसे हर एक ऑपरेशन के लिए, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन के लिए आपको प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही इनबिल्ट हैं सी के अंदर, और उनको हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस क्यों बोलते हैं, जैसे आपके पास लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पहले से ही होती हैं, आपने नहीं लिखी ना वो बुक्स, वो पहले से ही किसी ने लिख रखे हैं, आप जस्ट उनका क्या करते हो, यूज़ करते हो, जो बुक आपको चाहिए वो आप निकालते हो और उसको पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे ही लाइब्रेरी फंक्शन सी के अंदर पहले से ही हैं, आप क्या करोगे, जो फंक्शन आपको चाहिए आप वो फंक्शन लोगे, कॉल करोगे और उसका यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप खुद से भी बना सकते हो फंक्शंस, उनको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। आगे फंक्शंस का पूरा चैप्टर आएगा, वहाँ पर आप ये बातें पढ़ोगे। तो ये कुछ लिस्ट दे रखी है इन्होंने फंक्शंस की, जैसे कुछ मैं बता देती हूँ आपको, ए बी एस, ये किसके लिए है, इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने के लिए। आई यहाँ ब्रैकेट में जो लिख रखा है वो एक इंटीजर है, और ये एक फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शन, इसको इसके ऊपर परफॉर्म किया गया है, तो ये क्या करेगा, इस आई की एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। सील ब्रैकेट में डी, डी इंटीजर है, ये क्या करता है, डबल वेरिएबल के लिए इसको यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, डबल वेरिएबल को राउंड ऑफ कर देता है नेक्स्ट इंटीजर में, ठीक है। जैसे 4.7 है तो आंसर क्या दे देगा, 5। कोस डी वैल्यू की, कोसाइन वैल्यू अगर आपको निकालनी है वेरिएबल की, टेंजेंट निकालनी है, साइन निकालनी है, तो उसके लिए सब फंक्शंस हैं। ये पावर के लिए है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या डी, इसका मतलब क्या है, d1 raised to power d2, जिस वेरिएबल की पावर आप निकाल रहे हो वो आगे आएगा और जितनी पावर कर रहे हो वो पीछे आएगा, तो पी ओ डब्ल्यू और ब्रैकेट में वो दोनों वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या है, d1 raised to power d2। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको 2 raised to power 4 निकालना है, तो एक तरीका तो है 2 into 2 into 2 into 2 आप कर सकते हो, लेकिन अगर हायर दे दे, 2 raised to power 10 दे दे, तो उस केस में आप क्या करोगे, इतनी बार मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना लिखोगे, तो वहाँ पर आप लाइब्रेरी फंक्शन पावर का यूज़ करोगे, और जिसकी पावर कर रहे हो और जितनी कर रहे हो वो, तो ये इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये लिखूँ तो इसका मतलब क्या है, 2 raised to power 10, ठीक है। फ्लोर राउंड ऑफ कर देता है, डाउन राउंड डाउन कर देता है नेक्स्ट इंटीजर को, जैसे 4.3 है तो आंसर 4 देगा वो। फैब्स किसके लिए है, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर डी के लिए। स्क्वेयर रूट निकालना है अगर किसी वेरिएबल का, तो sqrt और ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिख दीजिए जिसका स्क्वेयर रूट निकाल रहे हो। एक्सपोनेंशियल के लिए exp, लॉगरिथम के लिए, नेचुरल लॉगरिथम के लिए log। ये आगे सारे आपके पास किसके फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग जब आप पढ़ोगे तो स्ट्रिंग्स में ये फंक्शंस यूज़ होंगे, तो जब ये यूज़ होंगे साथ साथ मैं बताती रहूँगी, बाकी आप पढ़ के देख भी सकते हो इसने लिख रखा है साथ साथ कि किस फंक्शन का क्या यूज़ है, ठीक है। क्लियर clrscr, ये clr से है क्लियर, scr से स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, ये स्क्रीन को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। तो ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्लियर स्क्रीन हम मोस्टली प्रोग्राम्स में हर एक जगह यूज़ ही करेंगे, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो पहला वाला आउटपुट भी आपको स्क्रीन पर मिलेगा, स्क्रीन साफ नहीं मिलेगी। तो हर बार अगर आपको, हर बार जब आप रन करें और आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर चाहिए, तो उसके लिए आप ये फंक्शन यूज़ करते हो।
ठीक है, जैसे टू अपर सी है तो इसका मतलब ये क्या कर देगा, उन लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो आप ये पढ़ के देख लेना लिस्ट जो दे रखी है। उसके बाद अब हैं एग्जांपल्स, ठीक है। सी में आप प्रोग्राम में लिखोगे कैसे, उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए जैसे पहला है ये SQRT स्क्वेयर रूट फंक्शन का यूज़ करना सिखा रहा है कि आपको किसी वेरिएबल का स्क्वेयर रूट निकालना है। आपको फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 9 का स्क्वेयर रूट निकालना है और आपको बोल दिया जाए कि उसके लिए एक प्रोग्राम लिखो सी में। तो सबसे पहले ये तो मैंने बताया ही था, ये हेडर फाइल तो आप हमेशा इंक्लूड करोगे, हैश इंक्लूड stdio.h। conio.h क्यों यूज़ कर रहा है, getch में पहले बता चुकी हूँ इसका यूज़। अगर getch और क्लियर स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो, आप हमेशा करना भी ये यूज़, क्योंकि क्लियर स्क्रीन से तो आपको हमेशा स्क्रीन क्लियर मिलेगी और getch से वो आपको आउटपुट दिखेगा स्क्रीन पर, स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी। तो ये हमेशा हम ये दो फंक्शंस यूज़ करते ही करते हैं। अच्छा, प्रिंट ऑफ स्कैन एफ भी हर प्रोग्राम में यूज़ हो जाता है, तो इसलिए stdio.h ये ज़रूर इंक्लूड करनी है, conio.h ज़रूर इंक्लूड करनी है, और क्लियर स्क्रीन फंक्शन हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यूज़ करना आपको, getch लास्ट में यूज़ करते हो मेन फंक्शन के, ठीक है। math.h यहाँ क्यों इंक्लूड की है, हर प्रोग्राम में आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ क्यों की है, क्योंकि हम sqrt फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और sqrt फंक्शन इस हेडर फाइल में होता है, ठीक है। तो अगर आप वो फंक्शन इंक्लूड कर रहे हो तो वो फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो उससे कोरस्पॉन्डिंग आपको उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो sqrt फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने math.h को इंक्लूड किया, ठीक है। उसके बाद void main लिखना है आपको, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इसने डबल x ले लिया। अगर आपको फ्लोट टाइप वेरिएबल्स, फ्लोट टाइप नंबर्स का भी, फ्लोटिंग टाइप नंबर्स जैसे डेसिमल वगैरह है उनका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसीलिए इसने डबल यूज़ किया है। सिर्फ इंटीजर्स का निकालना चाहते हो तो यहाँ इंटेक्स भी लिख सकते हो। इसके बाद आपको क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करना है, ध्यान रखना है पहले फंक्शन का नाम आएगा, बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं आएगा, साथ के साथ आपको ये ब्रैकेट्स लगाने हैं और फिर सेमी कोलन लगाना है। मेन फंक्शन के बाद सेमी कोलन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इसके बाद सेमी कोलन आएगा। फिर प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेंगे, एंटर द नंबर हु स्क्वेयर रूट इज़ टू बी फाउंड एज इट इज़, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ परसेंटेज एफ एम परसेंट एक्स, ये वन है इसको छोड़ देना आप, इसकी विड्थ आप सीधा परसेंटेज एफ लिखना एम परसेंट एक्स। सिंटैक्स मैं बता चुकी हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू डाल दोगे, जैसे इसने यहाँ पर 9 वैल्यू डाल दी। फिर प्रिंट करोगे द स्क्वायर रूट ऑफ एफ इज परसेंटेज एफ इज परसेंटेज एफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये मैं बात आपको बता चुकी हूँ। पहले परसेंटेज एफ में पहले वेरिएबल की वैल्यू जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट कैसे प्रिंट होगी, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9, तो स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज यहाँ पर क्या चला जाएगा, स्क्वेयर रूट चला जाएगा इसका sqrt ऑफ एक्स, और 9 का स्क्वेयर रूट क्या निकल के आएगा 3, तो यहाँ पर आ गया 3। डेसिमल क्यों आया है, क्योंकि आपने वेरिएबल किस टाइप का ले रखा है, डबल टाइप का, तो वो डेसिमल वाली वैल्यू लेगा, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ टू नंबर्स, ये तो बार बार मैं आपको समझा ही रही हूँ। दो नंबर्स, अगर आप दो नंबर्स का सम कर रहे हो तो दो नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए, एक तीसरा वेरिएबल भी चाहिए जिसके अंदर उनका सम स्टोर हो जाए। तो ये दोनों मैंने बताई, दोनों हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है। उसके बाद void main, 3 वेरिएबल ले लिए हमने इंटीजर टाइप के ABC। अगर आपको फ्लोटिंग टाइप नंबर्स का सम कराना तो यहाँ पर फ्लोट भी ले सकते हो, डब्ल्यू भी ले सकते हो, जो टाइप आप लेना चाहो वो ले सकते हो। उसके बाद मैंने क्या कहा था, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप क्या लोगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लोगे। उसके बाद प्रिंट करा दिया एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये लाइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद इनकी वैल्यू एंटर करानी है, तो ये सिंटैक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटीजर टाइप के इसीलिए %d% %d और कॉमा %a %b, तो इनकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी के अंदर उनका सम चला गया तो सी को आप प्रिंट करा देंगे, तो क्या प्रिंट करा दिया, वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू ए प्लस बी इज %d कॉमा सी। अब इस %d में इस सी की वैल्यू चली जाएगी, यानी कि इनका सम आ जाएगा, और लास्ट में क्या लगाते हो, getch और फिर ब्रैकेट बंद कर दोगे मेन फंक्शन की। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए एंड बी जो आपने डाली होंगी, और वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू ए प्लस बी इज 9। हमेशा दो वेरिएबल्स की वैल्यू जब डाल रहे हो तो 4 के बाद स्पेस देना और फिर 5 डालना, अदरवाइज स्पेस नहीं दोगे तो पहले नंबर को ही 45 ले लेगा। तो पहला नंबर 4 लिखा, टाइप किया कीबोर्ड से, फिर स्पेस देके फिर आप 5 प्रेस करोगे, तो अब वो ऑटोमेटिकली समझ गया कि ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट प्रोग्राम है टू फाइंड स्क्वेयर ऑफ ए नंबर, अगर किसी नंबर का स्क्वेयर निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, यही सारा काम तो करना ही करना है। दो वेरिएबल ले लिए, एक तो जिसका स्क्वेयर निकालना है, दूसरा जिसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो एंटर द नंबर ये मैसेज प्रिंट करा दिया, फिर ए की वैल्यू हमने इनपुट करा दी, बी इक्वल टू ए इंटू ए, क्या होगा यहाँ से,
अब स्क्वायर के लिए आप पावर फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे कि पावर फंक्शन इसकी जगह पे अगर आप पावर फंक्शन यूज़ करते तो क्या लिखते, बी इक्वल टू पी ओ डब्ल्यू ए, और स्क्वायर कर रहे हो तो पावर क्या आएगी, टू, इस तरीके से। पर यहाँ पर फिर अगर आप ये फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो कौन सी फाइल इंक्लूड करनी पड़ती इसके बाद, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक ही प्रोग्राम को करने के बहुत सारे वेज हैं, कोई किसी तरीके से करेगा, कोई किसी तरीके से। तो अगर आप इस फंक्शन के लाइब्रेरी फंक्शन की हेल्प से कर रहे हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी मैथ डॉट एच। इससे नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट ए इन टू ए कर रहे हो तो इंक्लूड करने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर प्रिंट करा दोगे स्क्वेयर ऑफ नंबर इज, डी की वैल्यू आनी है या बी की वैल्यू, बी है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो इसलिए परसेंटेज डी कोमा बी, गेट सी एच, और फिर बंद कर दिया। एंटर द नंबर डाला था यहाँ पर, एंटर द नंबर एज इट इज़ प्रिंट हुआ, उसके बाद इसकी वैल्यू इसने 9 डाल दी। फिर उसको स्क्वेयर करने के बाद स्क्वेयर ऑफ नंबर इज एज इट इज़ मैसेज आएगा और यहाँ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो, पाई आर स्क्वेयर, पाई की जगह तो 3.14 लिखा, इंटू रेडियस के लिए आर ले रखा है इसने, आर इंटू आर आ जाएगा, और ये वैल्यू जहाँ स्टोर होगी उसके लिए एक और वेरिएबल ले लिया एरिया। एरिया इंटीजर टाइप का लोगे तो वो राउंड ऑफ करके दे देगा वैल्यू। तो अगर आप ये वैल्यूज़ लेना चाहो तो फ्लोट टाइप या डबल टाइप भी ले सकते हो ताकि बिल्कुल एज इट इज़ आंसर आ जाए। इसमें वो क्या करेगा, राउंड ऑफ करके देगा, ठीक है। पढ़ के देख सकते हो ये प्रोग्राम आप। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसमें वो हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहा है, पहले सेमी पैरामीटर निकालेगा, तो उसके लिए ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए ए बी सी, सेमी पैरामीटर के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए एस, फिर एरिया स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, वो ले लिया एरिया, ठीक है। तो पहले एस की वैल्यू निकालेगा, फिर एरिया निकालेगा, फिर उसको प्रिंट कराएगा, बिल्कुल इसी तरीके से है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स ले लिए एक्स और वाई, उनकी वैल्यू इंटरचेंज करनी है आपस में, तो उसने एक तीसरा वेरिएबल और ले लिया टेम्प, ताकि वो उनकी वैल्यू इंटरचेंज इसकी हेल्प से करेगा। देखिए कैसे करेगा, उसने दो वेरिएबल क्या लिए, एक्स और वाई, ठीक है। मान लीजिए एक्स, जैसे एग्जाम्पल से ही लेती हूँ मैं, एक्स की वैल्यू उसने क्या ले ली, 30 डलवा दी यहाँ से, और वाई की वैल्यू क्या डलवा दी, 56, ठीक है। अब हमें उल्टा चाहिए है कि एक्स में तो 56 आ जाए और वाई में क्या आ जाए, 30 आ जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक तीसरा वेरिएबल उसने ले लिया टेम्प, ठीक है, और टेम्प में क्या चला गया है, एक्स, टेम्प के अंदर क्या चला गया, एक्स, एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू 30, टेम्प में अब क्या चला गया, 30। फिर क्या किया, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स में किसकी वैल्यू डाल दी, वाई की, यानी कि एक्स में क्या चला गया, 56, और y में किसकी वैल्यू डाल देते हैं अब, टेम्प की। अगर यहाँ आप सोचते कि x इक्वल टू y और फिर y इक्वल टू x कर दे, तो y इक्वल टू x करने में तो x y में भी 56 ही चला जाता, दोनों वैल्यू सेम हो जाती, लेकिन x में तो y की वैल्यू डाल दी, अब y में x की वैल्यू चाहिए है, तो x की, अब तो वो ये वैल्यू उठाएगा और हमें चाहिए क्या थी, 30, तो उसके लिए हमने एक और वेरिएबल लिया, टेम्परेरी टेम्प वेरिएबल, जिसमें 30 वैल्यू स्टोर कर दी, और वो 30 वैल्यू अब हमने y में डाल दी, यानी कि टेम्प को किस में असाइन करा दिया, y में। तो अब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। डेसिमल टाइप क्यों आई है, क्योंकि आपने इनको फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर रखा, तो इसीलिए 0.00 लगा दिया उसने बाद में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पीआरटी प्रिंसिपल रेट टाइम चाहिए, एन चाहिए, वो क्या करेगा, एन उसने लिया वेरिएबल, कुछ वैल्यू निकाल के अलग से वो स्टोर करेगा। अभी आगे मैं बताती हूँ एन किस लिए लिया है, अमाउंट के लिए अमाउंट ले लिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सीआई ले लिया। तो पहले तो इन सब की वैल्यू एंटर करा देगा, प्रिंसिपल रेट और टाइम की, उसके बाद प्रिंट एफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज, ठीक है, ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एन इक्वल टू, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो उससे पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 रेस टू पावर टी, ये होता है ना। तो वो क्या कर रहा है, 1 प्लस आर बाय 100 इसको अलग से सोल्व कर रहा है और इसको n में स्टोर कर रहा है, ठीक है, और फिर p इंटू एन की पावर t कर देगा वो। आई बात समझ में, क्या कर रहा है, तो 1 प्लस रेट बाय 100 किया और उसको n में डाल दिया। ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट्स कहाँ लगानी है आपको, पहले डिवीज़न करनी है, तो यहाँ पर रेट बाय 100 को हमने ब्रैकेट में डाल दिया। फिर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू एन की पावर टी चाहिए है, पावर के लिए अभी मैंने बताया पी ओ डब्ल्यू फंक्शन यूज़ करेंगे, एन की पावर टाइम लिखा,
ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पावर फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो कौन सी हाइडर फाइल इंक्लूड करोगे, मैथ डॉट एच ई फाइल भी इंक्लूड करोगे, ठीक है। उसके बाद इस सी आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, तो प्रिंट एफ परसेंटेज एफ सी आई। ये लाइन जो आपने लिखी है चाहो तो बाद में भी लिख सकते थे, इसी के साथ ही इस लाइन को यहाँ से हटा के आप यहाँ भी लिख सकते हो कि प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज परसेंटेज एफ कोमा सी आई, जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल्स में किया, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे चाहो अलग अलग तो अलग अलग भी करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम टू रीड अ नंबर इन डेसिमल फॉर्मेट एंड प्रिंट इट इन हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल फॉर्म। एक नंबर को पहले प्रिंट कराना है डेसिमल फॉर्म में और फिर उसको प्रिंट कराना है हेक्साडेसिमल और ऑक्टल फॉर्म में। तो एक नंबर ले लिया x, उसको पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कराया तो उसके लिए परसेंटेज d यूज़ करेंगे, m परसेंट x, ठीक है। अगर ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करानी है तो परसेंटेज o यूज़ करेंगे। स्लैश n किसके लिए यूज़ किया, न्यू लाइन के लिए, ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए ये लाइन, ठीक है। फिर प्रिंट f द नंबर इन हेक्साडेसिमल के लिए यूज़ करेंगे परसेंटेज x, तो वो अपने आप ही क्या करेगा, परसेंटेज d है तो जो नंबर डाला आपने 12 उसको एज इट इज़ डेसिमल फॉर्म में लिखेगा, परसेंटेज ओ से वो ऑक्टल में कन्वर्ट कर देगा, परसेंटेज एक्स से उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अगर आपके पास घर में सिस्टम है तो आप सी इंस्टॉल करके उसमें और ये प्रोग्राम्स खुद से रन करके देख सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन का मेथड मैंने आपको बता ही रखा है। सी को जब आप खोलोगे तो न्यू फाइल ओपन करके उसके अंदर आप ये प्रोग्राम लिखोगे, ये प्रोग्राम लिखने के बाद आप क्या करोगे, कंपाइल करोगे, ऊपर ऑप्शंस होंगे उसमें कंपाइल ऑप्शन होगा, कंपाइल करना। उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो पहले वो एरर्स ठीक करना, नीचे मैसेज पढ़ के वो बताएगा कि इस लाइन में क्या एरर है, ठीक है, जब तक सक्सेस ना हो जाए तब तक, और फिर रन पर क्लिक करना, उससे आपकी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी और वहाँ पर फिर आप अगर वो वैल्यू मांग रहा है किसी की इनपुट करवानी है तो कीबोर्ड से वो आप इनपुट करा के एंटर की प्रेस करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो आप घर पर ही ट्राई कर सकते हो इनको रन करके, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई।